ओम शांति नमस्कार एक नई कविता के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूं किसी न किसी लक्ष्य के साथ हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं स्वयं पर विश्वास और परम पिता पर विश्वास जब पक्का हो तो मंजिल की राह पर चलना भी आसान हो जाता है और सफलता प्राप्त करना भी सहज हो जाता है सफलता एक प्रकार से प्रसाद है जो कैसे प्राप्त होगा यही हम इस कविता के माध्यम से जानेंगे कविता का शीर्षक है परम सफलता का प्रसाद अपने अनमोल जीवन को अपने अनमोल जीवन को इतना श्रेष्ठ बनाओ अपने अनमोल जीवन को इतना श्रेष्ठ बनाओ दो पंक्तियों के छंद नहीं महाकाव्य कहलाओ दो पंक्तियों के छंद नहीं महाकाव्य कहलाओ विघ्नो रूपी कंकड़ पत्थर से तुम ना घबराओ विघ्नो रूपी कंकड़ पत्थर से तुम ना घबराओ नरम गलीचे भी मिलेंगे सफलता एक नरम गलीचे समान है नरम गलीचे भी मिलेंगे बस तुम चलते जाओ नरम गलीचे भी मिलेंगे बस तुम चलते जाओ चिंता की सब रेखाएं चिंता की सब रेखाएं अपने चेहरे से मिटाओ चिंता की सब रेखाएं अपने चेहरे से मिटाओ सौम्य मुस्कान संपन्न अपना व्यक्तित्व बनाओ सौम्य मुस्कान संपन्न अपना व्यक्तित्व बनाओ त्यागो छोटी छोटी बातों की घुमावदार गलियां व्यर्थ विचार एक प्रकार से घुमावदार गलियां हैं जिनमें हम उलझ जाते हैं और अपनी मंजिल से भटक जाते हैं तो हमें व्यर्थ विचारों की इन घुमावदार गलियों में नहीं उलझना है यही बात इन पंक्तियों के माध्यम से त्यागो छोटी छोटी बातों की घुमावदार गलियां त्यागो छोटी छोटी बातों की गुमावदार गलियां मन उपवन में उगाओ सुगंधित फूल और फलियां मन उपवन में उगाओ सुगंधित फूल और फलियां यहां फूल और फलियों का अर्थ है कि हमारे मन में शुद्ध विचार हो कल्याणकारी भाव हो सबके प्रति रहम हो दया हो करुणा हो इस प्रकार के विचार जब हमारे अंदर उत्पन्न होंगे वही हमें अपनी सफलता की ओर लेकर जाएंगे त्यागो छोटी छोटी बातों की गुमावदार गलियां, त्यागो छोटी छोटी बातों की गुमावदार गलियां मन उपवन में उगाओ सुगंधित फूल और फलियां यहां सुगंधित फूल और फलियों का भावार्थ है कि मन को शुद्ध विचारों से भरपूर करें कल्याणकारी भाव रहम दिल करुणा और दया से संपन्न जब हमारे मन के विचार होंगे तो वही विचार हमें अपनी सफलता की ओर लेकर जाएंगे यही भाव इन पंक्तियों में है आगे सुनते हैं लक्ष्य बड़ा ना समझो लक्ष्य बड़ा ना समझो भर लो शक्ति चलने की लक्ष्य बड़ा ना समझो भर लो शक्ति चलने की कहीं बीत न जाए घड़ियां खुद को बदलने की कहीं बीत न जाए घड़ियां खुद को बदलने की स्व परिवर्तन का समय विश्व परिवर्तन का समय चल रहा है इसीलिए इन पंक्तियों को हम दोबारा सुनते हैं लक्ष्य बड़ा ना समझो भर लो शक्ति चलने की लक्ष्य बड़ा ना समझो भर लो शक्ति चलने की कहीं बीत न जाए घड़िया खुद को बदलने मन पतंग को बांधे रखो मन पतंग को बांधे रखो तुम श्रीमत की डोर से मन पतंग को बांधे रखो तुम श्रीमत की डोर से उड़ते रहो चाहे चले विघ्नों की हवाएं जोर से यदि हमारे मन की डोर परमात्मा रूपी श्रीमत के हाथों में है तो हम किसी भी विघ्न से हम घबरा नहीं सकते हम हर विघ्न को पार कर सकते हैं यही भाव इन पंक्तियों के अंदर है आइए हम इन पंक्तियों को फिर से सुनते हैं मन पतंग को बांधे रखो श्रीमत रूपी डोर से मन पतंग को बांधे रखो श्रीमत रूपी डोर से उड़ते रहो चाहे चले विघ्नों की हवाएं जोर से उड़ते रहो चाहे चले विघ्नों की हवाएं जोर से धीरज रखकर मंजिल की तरफ बढ़ते जाओ धीरज रखकर मंजिल की तरफ बढ़ते जाओ परम सफलता का प्रभु से दिव्य प्रसाद पाओ परम सफलता का प्रभु से दिव्य प्रसाद पाओ तो साथियों इस कविता के माध्यम से हमने ये कहने का प्रयास किया है कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परमात्मा की श्रीमत रूपी हाथ अपने हाथों में रखना है और अपने मन को व्यर्थ की बातों में व्यर्थ बातों की घुमावदार गलियों में नहीं उलझाना है इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति नमस्कार